everyone, welcome your online English class. I am Mrs. Anusha Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको NCERT अंग्रेजी की बुक क्लास 6 की पढ़ाने जा रही हूँ, जो हनी शुक्ल के नाम से है. ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर 5 का डिस्कशन करेंगे. ठीक है, चैप्टर 5 आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. इसका जो सारांश है वो क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल मतलब एक अलग तरह का स्कूल. बच्चों जैसा आपने देखा होगा ना कि स्कूल आपने बहुत देखे होंगे, मतलब कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ इस तरह के बच्चे रहते हैं. ठीक है, किस तरह के, जैसे क्या बोलते हैं, कुछ ब्लाइंड है, कुछ हैंडीकैप है. ठीक है, जिनकी आंखें नहीं है. ठीक है, जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, तो इन बच्चों का क्या होता है, एक अलग से स्कूल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे राइटर है उन्होंने डिस्कशन की है. ठीक है, यहाँ पे इस स्कूल के बारे में डिस्कशन की है कि इसमें किस तरह के बच्चे थे. ठीक है बच्चों, जब ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके साथ कुछ एक अनहोनी इस तरह की एक घटना होती है. ठीक है, तो जिससे क्या होता है, किसी की आंखें चली जाती है, किसी के हाथ नहीं होते और किसी के पैर नहीं होते. तो हम यहाँ पे उसी स्कूल का हम आज डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान से अच्छे से समझें और हम इसे पढ़ेंगे. ठीक है, लेट नाउ स्टार्टेड बिफोर यू रीड. ठीक है, डू यू नो दिस वर्ड. ठीक है, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं. इफ़ यू डोंट माइंड. ठीक है, यदि आप नहीं जानते. ठीक है, आउ डियर मिनी, तो आप क्या कह सकते हैं, क्या आप, अगर आप इन शब्दों को जानते हैं. ठीक है, यदि आप नहीं जानते तो इसका अर्थ खोजे, मीनिंग्स में इसका अर्थ खोजे. बैंडेज, बैंडेज मीन्स होता है पट्टी. ठीक है, जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है, कोई दुर्घटना होती है, तो हम बैंडेज का यूज करते हैं. क्रच, ठीक है, ये क्या होती है, बैसाखी. आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके पैर में कोई प्रॉब्लम है या जिनके पैर नहीं है, वो अक्सर क्रच का यूज़ करते हैं, मतलब बैसाखी का. क्रिपल, अब हम क्या कह सकते हैं, अपंग, मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपंग होते हैं. मतलब अपंग मतलब किसी की आँख नहीं होती, किसी के कान मतलब वो बहरे होते हैं. ठीक है, किसी का हाथ नहीं होता और किसी के पैर नहीं होते, तो इसे क्रिपल वर्ड दिया गया है. ऑनर, ठीक है, ऑनर मतलब क्या है, सामान्य. ठीक है, मिसफॉर्च्यून्स दुर्भाग्य. सिस्टम प्रणाली, मतलब यह क्या है, मतलब एक ऐसी घटना है, अनफॉर्चुनेटली मतलब एक ऐसी घटना है. ठीक है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है. ठीक है, यहाँ पे मतलब इन बच्चों के लिए एक अलग से स्कूल बनाया गया है. और कुछ कैसे बच्चे, जिनकी आंखें नहीं है, जिनके पैर नहीं है और जिनके हाथ नहीं है. ठीक है, जिनके कान बिल्कुल बहरे हैं, वो सुन नहीं सकते, और कुछ बच्चे देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. लुक एट द पिक्चर्स इन दिस एंटेड एंड गाइस इन व्हाट वे हिज स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. तो यहाँ पे हम पिक्चर्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो ये स्कूल है ये अन्य स्कूल से बिल्कुल अलग है. यहाँ पे बच्चों एक जो ये पिक्चर्स, इसमें क्या देखो, ये दिखाया गया एक बच्ची है. ठीक है, इसकी आँख में क्या है, बिल्कुल पट्टी बनी है, बैंडेज बनी हुई है. ठीक है, और इसको क्या कर रहा है, एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, अपने साथ ले जा रहा है, सहारा दे के उसको अपने साथ ले जा रहा है. बच्चों इस चैप्टर में हमें स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेंजा दी गई है, तो हम वन बाय वन इसे स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है, तो लेट नाउ स्टार्टेड. आई हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल. यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में सुना था. पर नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चेंज कम टू विजिट इट. फिर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते, लास्ट वीक बोल सकते हैं, पिछले हफ्ते मतलब मुझे वहाँ जाने का चांस नहीं मिला, मतलब मौका नहीं मिला. ठीक है, वेर आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इनसाइड बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जब मैं पहुँचा तो वहाँ मतलब कोई नहीं था, बल्कि एक 12 साल की लड़की थी. ठीक है, हर आईज वेयर कवर्ड विद ए बैंडेज एंड सी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई ए लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट
फोर ईयर्स यंगर। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब वहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो पहुँचे, ठीक है, तो वहाँ कोई नहीं था, बल्कि क्या हुआ था, 12 साल का क्या था, एक मतलब 12 साल की एक लड़की थी और उसकी आंखों पर क्या था, पट्टी बंधी हुई थी, और उसे एक छोटा लड़का जो लगभग 4 साल छोटा था वो क्या कर रहा था, सी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हू हैड कम, ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर एंड दे पास्ड ऑन। और क्या कर रहा था वहाँ पे, जो छोटा बच्चा था वो उसे फूलों की क्यारों की भी सावधानी से ले जा रहा था, ठीक है, सावधानी से ले जा रहा था, और फिर क्या हुआ, वह रुक गई और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने पूछा, बच्चे से पूछा, जो 12 साल की लड़की थी उसने 4 साल के बच्चे से पूछा कि कौन आया है, मतलब जो जिनकी आँखें नहीं होती इनकी ऐसी ट्रेनिंग इनको दी जाती है कि अगर इनके आसपास कोई है तो ये मतलब जान सकते हैं, इनको ऐसा अनुभव हो जाता है कि कोई इनके आसपास है करके, ठीक है। फिर क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मुझे उसका वर्ण कर रहा है, मतलब वो जान गई है कि कोई आया है, ठीक है। मिस बीन वॉज ऑल डैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड सी हैड द काइंड और प्लम्प फिगर डैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, आई आस्क हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मैथड्स विच आई हैड हियर्ड वेर सिंपल। अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, वह आगे बढ़े, ठीक है, मिस बीम वह सब थी जिसकी उन्होंने मतलब इमेजन की थी, अपेक्षा की थी, एक अधेड़ उम्र की, मतलब एक ज़्यादा उम्र की एक लेडी थी, ठीक है, जो अधिकार से भरी हुई थी, मतलब उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर भी दयालु और समझदार थी, ठीक है, क्या थी वो, दयालु और बहुत समझदार थी। फिर क्या हुआ था, उनका मतलब उनके जो बाल थे वो भूरे होने लगे थे और उनके पास उस तरह का मोटा फिगर था जो एक घर के बच्चे को सुकून दे सकता है, ठीक है, एक घर के बच्चे को सुकून दे सकता है, ठीक है। मैंने उससे उसकी शिक्षण विधियों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जो मैंने सुनने थे, जो बिल्कुल सरल थे, ठीक है, विच आई हियर वेर सिंपल, जो सीधे और सरल थे, ठीक है। स्टैंजा 4, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। फिर हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि उनसे मतलब जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है, सिंपल स्पेलिंग, एडिटिंग, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि चीज़ों को कैसे करना है और सीखने में कि उनकी मदद करने के लिए और अधिक की आवश्यकता नहीं है, सरल वर्तनी मतलब सिंपल भाषा, सरल वर्तनी मतलब सिंपल भाषा, जोड़ना घटाना, एडिटिंग मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग मीन्स घटाना और मल्टीप्लाई मीन्स कूड़ा करना और लिखना, ठीक है। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम एंड देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स। फिर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग टॉक्स, बाकी उन्हें पढ़कर और दिलचस्प बातचीत से किया जाता है, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप दियर हैंड्स क्वाइट। फिर यहाँ पर क्या होता है, किया जाता है जिसके दौरान उन्हें स्थिर बैठना होता है, मतलब क्या होता है, मतलब उन्हें एक मतलब सीधे बैठना होता है, ठीक है, सीधे बैठना होता है और हाथों को शांत रखना होता है, दियर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। और क्या होता है, व्यवहारिक रूप से कोई अन्य सबक नहीं है, मतलब एक प्रैक्टिकली लेसन, व्यवहारिक रूप से कोई अन्य सबक नहीं है, ठीक है। पैराग्राफ 5, लेट इज नाउ स्टार्टेड, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं
कि इस स्कूल का असली उद्देश्य विचारों को पढ़ाना है, ठीक है। थॉटफुलनेस मीन्स मतलब विचारों को पढ़ाना है, काइंडनेस टू अदर एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस, ठीक है। तो इससे पता दूसरों पर दया करना और जिम्मेदार नागरिक बनाना, ठीक है। लुक एट ऑफ द विंडोज मिनर्स विल यू, और फिर क्या है, क्या तुम एक मिनट खिड़की से बाहर देखोगे, ऐसा बोला गया, क्या तुम एक मिनट खिड़की से बाहर देखोगे। ये जो है ये मिस क्या बोलते हैं, जो मिस बीम है वह कह रही है उस पर्सन से, ठीक है। पैराग्राफ सिक्स, आई वेंट टू द विंडोज विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक, व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, ठीक है। मुझे कुछ बहुत ही सुंदर मैदान दिखाई दे रहा है, मैंने कहा, और ढेर सारे कुछ मिसाज बच्चे, मतलब मुझे क्या है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मिस बीन आस्क्ड, मिस बीन आस्क्ड मतलब क्या हुआ था, मिस बीन जो थी मतलब आस्क्ड मतलब उनसे पूछना चाह रही थी, ठीक है, उनसे पूछना चाह रही थी कि ये क्या है, ठीक है। आई वेंट, मैंने उस खिड़की के पास आया, उसके पीछे एक बड़ा बगीचा और एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा था, क्या देखा तुमने, मिस बीन ने उनसे पूछा, ठीक है। तो मिस बीन आस्क्ड, मिस बीन ने उनसे पूछा, ठीक है। लेट नाउ स्टार्ट एट पैराग्राफ सेवन, आई सी सम वेर ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, ठीक है। वहाँ पे उसने बताया कि मुझे मतलब कुछ बहुत ही सुंदर जो मैदान दिखाई दे रहे हैं, आई शेड, ठीक है, मैंने कहा, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और कुछ विशाल बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इट पेन्स मी थॉट्स टू सी डैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, और क्या मतलब, हालांकि यह देखकर मुझे दुख होता है कि वे सभी इतने स्वस्थ और सक्रिय दिखने वाले नहीं है, ठीक है, मतलब नॉट, ना वो एक्टिव है ना वो हेल्थी है, ठीक है। आगे चलते हैं, When I come in, I show one poor little girl being led about, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि एक गरीब छोटी लड़की को ले जाया जा रहा है, ठीक है। Being led about, she has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, ठीक है। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि एक छोटी गरीब बच्ची को ले जाया जा रहा है, ठीक है। सी है मतलब उसकी आंखों में क्या है, मतलब कुछ ट्रबल, सी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ परेशानी है। नो आई कैन, ठीक है, फिर मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अब मैं एक ही कठिनाई के साथ दो और देख सकता हूँ, ठीक है। एंड दियर्स एंट्रीज A girl with a crutch watching the other at play, she seems to be a hopeless cripple. फिर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, और एक लड़की बेशाकी के साथ दूसरों के को खेलते हुए देख रही है, ठीक है, यहाँ पर ये सब है, ठीक। खेलते हुए दिख रही है और वो एक निराशजनक अपंग लगती है, मतलब वो सबको देख रही है, ठीक है, क्योंकि वो एक अपंग है, ठीक है। और अब पैराग्राफ जो मतलब एट है वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंस पड़ी, ओ नो, उसने कहा, क्या कहा, नहीं, उसने कहा नहीं, सी सैड, सी इज़ नॉट रियल रियली लैंगड़ी, उसने क्या कहा, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है, दिस इज ओनली हर लैंगड़ी डे, वो क्या है, यह केवल उसका लंगड़ा दिन है, ठीक है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट वॉज ओनली दियर ब्लाइंड डे, फिर क्या था, यह केवल उसका लंगड़ा दिन है, और क्या था, दूसरे क्या है, मतलब दूसरे अंधे नहीं है, इट इज़ ओनली दियर ब्लाइंड डे, यह केवल उनका अंधा दिन है, ठीक है। इट इज़ ओनली ब्लाइंड डे, इट इज़ ओनली दियर ब्लाइंड डे, यह केवल उनका अंधा दिन है। आई मस्ट
आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन. फिर क्या था, लाफ्ड अगेन, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह फिर हंस पड़ी. ठीक है, मुझे फिर सरप्राइज हुआ कि वो हंस पड़ी मेरे ये कहने पर. नाइन, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम टू मेक अवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून्स. ठीक है, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं यह हमारे लिए सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. ठीक है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है टू मेक, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून्स टू ईच टर्न. एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंडी. फिर क्या हुआ था, सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है टू मेक, अपने बच्चों को दुर्भाग्य की सराहना करने और समझने के लिए हम उन्हें दुर्भाग्य में भी भागीदार बनाते हैं. ठीक है, ईच टर्न में एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे. कब, प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक बच्चे का अंधा दिन, एक लंगड़ा दिन, एक बहरा दिन, एक घायल दिन और एक गूंगा दिन होता है. ठीक है, वन लैम्प डे एंड वन डेव डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डैम डे. ठीक है, ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे डियर आइस एंड बैंड स्टेट एब्सोल्युटली एंड डे आर ऑन दियर ऑनर नॉट टू बी. फिर हम क्या कह सकते हैं, अंधे दिन के दौरान उनकी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बंधी होती है और वे झांकने से मना कर देते हैं. ठीक है, द बैंडेज इज पुट टू ओवर नाइट सो दे वॉक ब्लाइंड. ठीक है, अंधेपन के कारण उनकी आंखों में क्या होता है, पूरे दिन पट्टी लगी होती है और वो क्या बोलते हैं, और वे क्या करते हैं पूरी तरह, और वे झांकने से मना कर देते हैं. ठीक है, दिस मीन्स डैट दे नीड हेल्प विथ एवरी थिंग अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ helping them and leading them about. They all learn to so much this way, both the blind and the helpers. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं रात भर पट्टी बांधी जाती है ताकि वे अंधे की तरफ जागे. ठीक है, अंधे की तरफ वो जागे. इसका मतलब यह है कि उन्हें हर चीज में मदद की जरूरत है. ठीक है, कब, अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स एंड द हेल्पर्स. ठीक है, कब, अन्य बच्चों की तरह उनको मदद करने और उनके नेतृत्व करने का कर्तव्य दिया जाता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. दे ऑल लर्न, वे सभी इस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं. ठीक है, वे बहुत कुछ सीखते हैं. कब, अंधे और मददगार दो, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, मिस बीम ने आगे कहा. ठीक है, मिस बीम ने आगे कहा इसमें कोई ऐसी मतलब दुख की बात नहीं है. ठीक है, स्टैंजा 10, देयर इज नो मिसरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम बिफोर द डे इज ओवर. थॉट इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून इट. ठीक है, वे सभी इस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं, अंधे और मददगार दोनों, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, मिस बीम ने आगे कहा. हर कोई बहुत दयालु है और वह वास्तव में कुछ खेल है. बिफोर, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बिफोर द डे इज ओवर. ठीक है, हालांकि दिन ढलने से पहले सबसे अधिक विचारहीन बच्चे भी समझ जाता है कि दुर्भाग्य क्या है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 11 जो मतलब पैराग्राफ है उसको हम देखते हैं. द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स. ठीक है,
अंधा दिन वास्तव में सबसे बुरा है. रियली द वर्स्ट. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी डैट द टर्म डे इन द मोस्ट डिफिकल्ट. उन्होंने क्या कहा कि सच में मतलब जो ये अंधा दिन है वास्तव में बहुत बुरा है, लेकिन बच्चे कुछ मुझे बताते कि गुंगा दिन सबसे कठिन है. ठीक है. We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. मतलब फिर क्या कह सकते हैं, हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए उन्हें वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना चाहिए. ठीक है. वो बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाना चाह रही थी. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. बगीचे में आओ और खुद देखो कि बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं. ठीक है. मिस बीन लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. ठीक है. फिर अब क्या कह सकते हैं, मिस बीन मुझे बैंडेज लड़कियों में से एक के पास ले गई, मतलब जिसकी पट्टी पति हुई थी एक के पास ले गई. हियर एज जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू. उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ एक सज्जन आपसे बात करने के लिए आए हैं. सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. फिर क्या हुआ, मिस बीम ने कहा और हमें छोड़कर चली गई. ठीक है. स्टैंजा 13. डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड द गर्ल. ओ नो सी एक्सक्लेम्ड, डैट वुड बी चीटिंग. उन्होंने क्या कहा, क्या आप कभी नहीं झांकते, मैंने लड़की से पूछा. क्या आप कभी नहीं झांकते, मैंने लड़की से पूछा. नहीं, उसने कहा दैट वुड बी चीटिंग, यह धोखा है. ठीक है, यह धोखा है. ठीक है. बट आई हैड नो आइडिया. ठीक है. लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंधा होना इतना भयानक है. मतलब उन्होंने कहा मुझे, आई हैड नो आइडिया, मुझे नहीं पता था. इट वॉज सो आउटफुल टू बी ब्लाइंड. ठीक है. अंधा होना इतना भयानक होता है. यू कांट सी ए थिंक यू फील यू आर गोइंग. फिर क्या हुआ था, आप कुछ देख नहीं सकते. टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट्स. आपको लगता है कि आप हर पल किसी ना किसी चीज़ की चपेट में आने वाले हैं. इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. आने वाले हैं, बस बैठने से इतनी राहत मिलती है. ठीक है. बैठने से इतनी राहत मिलती है. कब, आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क्ड. ठीक है. आप पर मेहरबान है, मैंने पूछ लिया. आप पर मेहरबान है, क्या आपकी मददगार आप पर मेहरबान है, मैंने पूछ लिया. स्टैंजा 14. फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुली एज आई शैल बी वेर इट इज माई टर्न. ट्रोज डैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. इट इज परफेक्टफुली केसली नॉट टू सी. आई विश यू एंड ट्राई. अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, काफ़ी, लेकिन वे इतने सावधान नहीं है जितने मैं तब करूँगा जब मेरी बारी होगी. ठीक है. परफेक्टफुली गेस्टली नॉट टू सी आई विस यू एंड ट्राई, कि वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मतलब काफ़ी, लेकिन उतने सावधान नहीं है जितने मैं तब करूँगा जब मेरी बारी होगी. ठीक है. उसने ऐसा बोला. सर आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड. कब, जो पहले से हंदे हैं वे अच्छे मददगार हैं. ठीक है. इट इज़ परफेक्ट, ना देखना पूरी तरह से भयानक है. आई विश कास, आप कोशिश करते. ठीक है. आप कोशिश करते क्या, क्या मैं तुम्हें कहीं भी ले जाऊँ, मैंने पूछ लिया. ओ यस सी सैड. ठीक है. और हाँ, उसने कहा, ठीक है, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक. क्या हुआ था, चलो थोड़ा टहलने चलते हैं. ठीक है. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. फिर क्या हुआ था, अबाउट थिंग्स, तब थोड़ा टहलने चलते हैं. अबाउट थिंग्स. ठीक है. फिर क्या कह सकते हैं, केवल आपको ही मुझे चीज़ों के बारे में बताना चाहिए था. और फिर क्या हुआ था, मुझे आपको ही चीज़ों के बारे में बताना चाहिए था. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर. ठीक है. बताना चाहिए था, आज समाप्त होने पर मुझे बहुत खुशी होगी.
ठीक है. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. ठीक है, मुझे लगता है कि एक पैर बांधना बैसाखी पर उतना मजेदार है. ठीक है, हैविंग ए बिग लेग टाइट अप द होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस. हैविंग एन आर्म टाइट अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम्स. ठीक है, एक हाथ बांधना थोड़ा अधिक परेशानी भरा है क्योंकि आप बिना मदद के नहीं सीख सकते. ठीक है, नहीं खा सकते और इस तरह की चीज़ें, मतलब एक हाथ बांध के आप कुछ भी मतलब ऐसे नहीं खा सकते. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बिकॉज यू कॉन्ट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट आई डोंट थिंक्स आई विल माइंड बींग डीप फॉर ए डे. फिर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन के लिए बहरे होने का बुरा मानूंगा, कम से कम, ज़्यादा नहीं. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटिंग माई हैड अचीज ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वॉरिंग डैट आई विल गेट हर्न टू वेयर आर वी नाउ. लेकिन अंधा होना कितना डरावना है. ठीक है, अंधा होना कितना डरावना है. ठीक है, माई हैड, ठीक है, मैंने सिर, हर समय सिर्फ इस चिंता में, मतलब मैं दर्द करता हूँ कि मुझे चोट लगेगी, मतलब मैंने सिर, मतलब जो सिर है, मतलब हर समय सिर्फ इस चिंता में दर्द करता है कि मुझे चोट लगेगी, मतलब जो सर है, मतलब वो बार बार दर्द कर रहा है कि उसको चोट लगेगी. ठीक है, 60 पैराग्राफ स्टार्टेड. इन द प्लेग्राउंड, ठीक है, खेल के मैदान में, आई सेड, मैंने कहा, वी वेर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, मैंने कहा हम घर की ओर चल रहे हैं, मिस बीम, हम घर की ओर चल रहे हैं, मिस बीम. यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पिक्चर्स है इसमें आपको ये दिखाया गया है कि कैसे मिस जो पर्सन है वो, मतलब जो ये गर्ल है, इससे यहाँ पे टॉकिंग कर रहे हैं. देखो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पर्सन है ये बच्ची से टॉकिंग कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टेल गन. ठीक है, लड़की ने वॉट इज द, वहाँ पे पूछा लड़की ने, क्या पहन रखा है, मेरे छोटे दोस्त ने पूछा. ठीक है, एक क्या बोलते हैं, उन्होंने बताया कि वॉट इज द गर्ल व्यूरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. एक मतलब छोटी लड़की ने पहन रखा है, मेरे दोस्त ने पूछा, क्या पहन रखा है, मेरे दोस्त ने यहाँ पे मतलब उससे पूछा कि क्या पहन रखा है, तो मैंने बोला ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज. उसने क्या कर रखा है, एक नीली मतलब जो कॉटन की स्कर्ट है, सूती स्कर्ट है, वो पहने और एक पिंक कलर का ब्लाउज पहना. आई थिंक इट इज मिली, आई थिंक मिली, मुझे लगता है कि और मिली है. उसने कहा सी सैड मिली. वॉट कलर इज हर हेयर. फिर क्या हुआ था, वॉट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग क्या है. ठीक है, उसके बालों का रंग क्या है. ठीक है, वेरी लाइट आई सेड, तो मतलब तब मैंने कहा बहुत हल्का मैंने कहा. ठीक है, यस डैट्स मिली सी सीज द हेड गर्ल. क्या उसने क्या बोला, हाँ वह मिली है और वो क्या है, एक हेड गर्ल है. ठीक है, हेड गर्ल उसको कह सकते हैं जो टीम की कप्तान होती है. ठीक है, एक टीम की कप्तान को हम हेड गर्ल कहते हैं. दियर इज एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप्रोचेस आई सेड. फिर हम क्या कह सकते हैं, एक बूढ़ा आदमी गुलाब बांध रहा था, मैंने कहा. वहाँ पर क्या हुआ था, एक जो बूढ़ा आदमी था वो गुलाबों के जो पेड़ थे उनको बांध रहा था. यस डैट्स पीटर, मैंने कहा हाँ वह पीटर है. ही इज द गार्डनर, वो क्या है, एक माली है. गार्डनर मिस माली. ही इज हंड्रेड ऑफ ईयर्स ओल्ड. ही इज हंड्रेड ऑफ ईयर ओल्ड, वह सैकड़ों साल पुराना है. ठीक है, एंड हियर कम ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर सी वॉन क्रचेस. और क्या कह सकते हैं, और यहाँ घुंघराले बाल बालों वाली एक लड़की आती है, वह बैसाखी पर है. ठीक है, डैट्स अनीता सी सैड, वो क्या है, वह अनीता है, उसने कहा. ठीक है, ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये इनकी जो पिक्चर्स है उसमें दिखाया गया है. ये देखो एक बच्ची है, वो क्या है, क्रश में, मतलब बैसाखी के सहारे है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेजन कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, लास्ट स्टैंजा स्टार्टेड 17. एंड सो वी वॉक्ड ऑन
greatly I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. अब हम यहाँ पे क्या सकते हैं, और इसलिए हम चल पड़े, धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं जितना सोच सकता था उससे 10 गुना अधिक विचारशील था, ठीक है. आई ऑल्सो रियलाइज डैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी व्हेन आई फाइनली डैट हैड टू लिव, ठीक है. यह मुझे एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Oh, she replied that there is something in my system after all. और मतलब इसलिए हम आगे चल पड़े, धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं जितना सोच सकता था उससे 10 गुना अधिक विचारशील था, और मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मुझे लोगों और चीज़ों का वर्णन किसी और को करना है, इसने उन्हें मेरे लिए दिलचस्प बना दिया था, ठीक है. अच्छा, जो इसके जो राइटर है वो कौन है, ईवी ल्यूकेस, ठीक है. ठीक है बच्चों, और बच्चों जो ये स्टोरी थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक इमेजिंग स्टोरी थी. आप सोच भी नहीं सकते कि जो इस तरह के स्कूल होते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं, उनको कितनी दिक्कत होती है, ठीक है बच्चों. तो आप बच्चों इस चैप्टर को पढ़ें, समझें अच्छे से, ठीक है, जानें, ठीक है. और अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह के बच्चे हैं तो आप उनकी मदद करें, ठीक है बच्चों. इस चैप्टर में इतना ही, टेक केयर एंड बाय.